आज हम इंश्योरेंस लॉ के बारे में बात करेंगे. इंश्योरेंस लॉ का टॉपिक मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन इंश्योरेंस. हमारे पहले जो लेक्चर्स थे, हमारा जो लेक्चर मैंने आपको बताया था, उसमें भी हमने इसी टॉपिक पर चर्चा करी थी. लेकिन वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि मैम, ये एक्चुअल में वॉइस आपकी सही नहीं आ रही है, तो आप इसे दोबारा रीशूट कीजिए. इसलिए मैं आज ये लेक्चर आपका दोबारा डाल रही हूँ. उम्मीद करती हूँ कि अब आपको वॉइस क्लियर आएगी. ठीक है, अब देखिए, हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस के बारे में. सबसे पहले, इंश्योरेंस होता क्या है? जनरली तो हमको पता है कि हमें रिस्क से बचाता है. रिस्क से बचाने के लिए, बचने के लिए ही, चाहे वो रिस्क मतलब हमारी लाइफ से रिलेटेड हो या अदर ऑप्शंस, जैसे फायर से गुड्स, हमारी गुड्स को सेव करना हो, हमें हमारी प्रॉपर्टी को सेव करना हो. ठीक है ना, लाइक जैसे फायर इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मराइन इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, ऐसे कई तरीके के इंश्योरेंस प्रचलन में है. लेकिन इंश्योरेंस वाकई में है क्या, कोई हमसे पूछे तो हम उसे बता सके. ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है कि हम इसका जो व्यवहारिक मीनिंग है वो पता करें कि इंश्योरेंस होता क्या है. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. देखिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. इंश्योरेंस जो है वो आपका संविदा है, एक तरीके की संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, किनके बीच में? दो पक्षकारों के बीच में. और वो दो पक्षकार कौन होते हैं? पहला तो होता है इंश्योरर और दूसरा होता है इंश्योर्ड. इंश्योरर मीन्स होता है बेटा बीमाकर्ता. कौन होता है? बीमाकर्ता मीन्स इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योर्ड कौन होता है? बीमित पॉलिसी होल्डर, मतलब जिसका इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस करवाया है. तो दो पार्टीज हो गई, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. उन दोनों के बीच में जो संविदा होती है वो संविदा क्या कहलाती है? बीमा. ठीक है, अब इस संविदा में होता क्या है कि यहाँ पर इन विच इसमें वन पार्टी कौन? इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी है. इसमें एक पक्षकार एग्रीज टू पे, एग्री होता है, सहमत होता है भुगतान करने के लिए. क्या भुगतान करने के लिए? कंपनसेशन. जिसमें एक पक्षकार कंपनसेशन को पे करने के लिए, कंपनसेशन का भुगतान करने के लिए सहमत होता है. अब किसको भुगतान करता है वो? टू अनादर पार्टी. और वो अनादर पार्टी कौन है? इंश्योर्ड. कहने का मतलब क्या हुआ? इस संविदा में इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वचन देती है या सहमत होती है भुगतान करने के लिए इंश्योर्ड को, कि हम आपको कंपनसेशन का भुगतान करेंगे. लेकिन कब करेंगे? क्या उसकी कोई शर्त होती है? देखो, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ प्रीमियम. आगे कंडीशन क्या? कि जब वो उसे किस चीज का भुगतान करेगा? प्रीमियम का भुगतान करेगा. प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? बीमित व्यक्ति, जो बीमा करा रहा है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करेगा. और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसको कंपनसेशन पे करेगी. इफ एक्चुअल, अब यहाँ एक और कंडीशन है, इफ एक्चुअल लॉस ऑकर टू प्रॉपर्टी और लाइफ. यदि वास्तविक भुगतान, वास्तविक क्षति उसको हो. किस चीज में हो क्षति उसको? जबकि उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी संपत्ति का, या उसको जीवन संबंधी कोई क्षति हुई हो, तो उसको जो क्षति होगी उसके संदर्भ में अब बीमा कंपनी उसको कंपनसेशन पे करेगी. तो यहाँ पे क्या समझ में आया हमको इस पूरे मीनिंग को देखने के बाद, कि इंश्योरेंस जो है वो एक, बीमा जो है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में. इंश्योरेंस कंपनी जब भी भाई इंश्योर्ड क्या करेगा? प्रीमियम का भुगतान करता रहेगा. जो पीरियोडिकली पेमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट्स में जो होगा, प्रीमियम का भुगतान करता रहेगा. और जब उसे नुकसान हो जाता है, जब उसे वास्तविक क्षति होती है संपत्ति की या लाइफ के रिगार्डिंग, उसे कोई नुकसान या जीवन संबंधी क्षति जो होती है उसको, तब वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेशन पे करती है. इस बात के लिए सहमत होती है उस संविदा के अंतर्गत. ठीक है, तो ये हो गया इंश्योरेंस का मीनिंग. देखो ये बेटा, ये इंश्योरेंस का मीनिंग है आपका. यहाँ पर इंश्योरेंस की जो डेफिनेशंस है वो मैंने ई कंटेंट्स के थ्रू आपके ग्रुप में डाली थी, वो आपको मैंने वहाँ पर समझाई थी अच्छे से, इजी लैंग्वेज में. दो पार्ट्स में आपने वहाँ पर उसको पढ़ा था. इंश्योरेंस इज एन एक्ट और एन कॉन्ट्रैक्ट. तो और एक कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से हमने दो पार्ट्स में वहाँ डिवाइड कर रखी थी. अलग अलग जो जूरिस्ट है, जो लेखक है, उनके हिसाब से इसकी अलग अलग बीमा की परिभाषाएं है. इसके बीमा कृत्य के रूप में भी है माना जाता है और संविदा के रूप में भी माना जाता है. तो परिभाषा तो वहाँ से देखकर लर्न भी कर लोगे आप लोग, लिख भी दोगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमें होना ज़रूरी है. इसलिए इतनी सरल भाषा में आपको ये यहाँ पर अर्थ समझाया गया है. ठीक है ना, इसको आप कभी नहीं भूल सकते. फिर उसके बाद हम बात करते हैं उन बेसिक टर्म्स की, उन शब्दों की जो कि इंश्योरेंस में काम आते हैं जनरली. ठीक है,
उनसे हम चिर परिचित, भाई हम इंश्योरेंस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये टर्म्स चूंकि बार बार में यूज आती है तो इन शब्दों से हम चिर परिचित होने चाहिए। पहला टर्म है इसमें आपका इंश्योरर। इंश्योरर को आप इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं, यहाँ पर मीन्स बीमा करता। ये कौन है? हमारा बीमा करता, जो नुकसान होने पर बीमित को क्षतिपूर्ति का वचन देता है। दूसरा है हमारा इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मीन्स आपका पॉलिसी होल्डर। कौन है? पॉलिसी होल्डर बीमित, जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी होल्डर। इंश्योर्ड कौन हो गया? जिसका कि नुकसान होने पर जिसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इंश्योरेंस कंपनी जिसको कि कंपनसेशन देती है और जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का पेमेंट करता है, वो कौन हो गया आपका इंश्योर्ड। थर्ड वर्ड इज प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। प्रस्ताव इट मस्ट इन रिटर्न फॉर्म। ये क्या होगा आपका? रिटर्न फॉर्म में होगा, लिखित प्रारूप में होगा। और जो प्रस्ताव किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाता है? इंश्योर टू इंश्योरर, बीमित द्वारा किया जाएगा बीमा कंपनी को कि भाई मेरा इस सब्जेक्ट मैटर का, इस विषय वस्तु का इंश्योरेंस करिए। अब बीमा कंपनी के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है बेटा, ये उसका डिस्कशन का मामला है, ठीक है। अब आ जाओ प्रीमियम। पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स। प्रीमियम क्या हुआ? वो राशि हुई जिसका समय समय पर इंश्योर्ड द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान किया जाता है, प्रीमियम की राशि, ठीक है। जो पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स चुकाई जाती है वो हो गई आपकी। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मीन्स विषय वस्तु। अब यहां विषय वस्तु, बीमा की संविदा में विषय वस्तु से क्या मतलब होगा? विषय वस्तु से मतलब वो वस्तु जिसका कि बीमा कराया गया है ना। सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? थिंग विच इज इंश्योर्ड। सो वो चीज, वो वस्तु जिसका कि इंश्योरेंस करवाया गया है, थिंग विच इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बीमा की संविदा की विषय वस्तु वो वस्तु होगी जिसका कि बीमा करवाया गया है। अब अलग अलग हो सकती है ये भी। कैसे हो सकती है? कि जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो लाइफ इंश्योरेंस में विषय वस्तु क्या होगी? लाइफ। जीवन बीमा में विषय वस्तु जीवन ही होगा। फायर इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस में विषय वस्तु क्या होगी? प्रमाइसेस, प्रॉपर्टी, गुड्स। जिस वस्तु का आपने बीमा करवाया, इस परिसर का बीमा करवा लिया मैंने, मेरी फैक्ट्री का बीमा करवा लिया मैंने, मेरे घर का बीमा करवा लिया, गुड्स का बीमा करवा लिया आग से बचने के लिए, तो वो क्या हो गया वहां पर? इसका सब्जेक्ट मैटर हो गया। फिर अगर हम लोग मराइन इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो मराइन इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? शिप, कार्गो, गुड्स जो शिप के थ्रू ले जाई जा रही है। तो ये अलग अलग इंश्योरेंस, जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है उनमें अलग अलग सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में व्हीकल आपका, ठीक है। तो ये हुआ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु मतलब जिसका बीमा करवाया गया है वो विषय वस्तु। पॉलिसी। पॉलिसी मीन्स अ डॉक्यूमेंट, है ना, विच इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। बीमा संविदा की शर्तों और नियमों का जिस दस्तावेज में उल्लेख होता है वो दस्तावेज कहलाता है पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस से संबंधित जो शर्तें, जो नियम जो दे रखे हैं वो जिस डॉक्यूमेंट में होते हैं वो डॉक्यूमेंट होगा हमारा पॉलिसी। नेक्स्ट है क्लेम। क्लेम मीन्स दावा। भाई नुकसान हो गया है, अब इंश्योर्ड को, बीमा करवाने वाले व्यक्ति को, बीमित को, तो वो क्या करेगा? क्लेम करेगा इंश्योरेंस कंपनी पर कि भाई लाओ मुझे मेरा नुकसान, मेरा एक्चुअल लॉस ये हुआ है, मुझे आप पैसा दीजिए, ठीक है। तो वो हो गया क्लेम। क्लेम करेगा तभी तो उसे उसकी रिकवरी की जाएगी, तभी तो उसका उसे कंपनसेशन पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए चूंकि हम क्लेम की बात कर रहे हैं तो क्लेम भी देखो इस तरह से होता है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस का मैटर है, भाई इंश्योरेंस क्या हुए आपके? जब हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तब हम इसे देखेंगे, आज भी देख लो आप इसको थोड़ा सा। इंश्योरेंस मतलब मेजरली दो तरीके के हुए आपके लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस होता है एक, तो एक जनरल इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस 5 ईयर्स और मोर। जनरल इंश्योरेंस का जो पीरियड होता है वो एक साल या एक साल से ज़्यादा का नहीं होता, ठीक है ना, एक साल तक का होता है अधिकतम। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या शामिल होते हैं? फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस शामिल होता है इसमें, इसमें आपका मोटर व्हीकल इंश्योरेंस शामिल होता है, इसी तरह से मेडिक्लेम इंश्योरेंस शामिल होता है। अन्य कई तरीके के इंश्योरेंस जो होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस में शामिल
किए जाते हैं, ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस में जीवन बीमा होता है। तो यदि मैटर लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो वहां पर जो दावा किया जाएगा वो दावा या तो खुद इंश्योर्ड कर सकता है या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसके जो है हायर से वो कर सकते हैं। कब कर सकते हैं वो खुद? तो कब करेगा? जबकि पॉलिसी मिच्योर हो जाए। भाई उसने अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवाया मान लीजिए 5 ईयर्स का या उससे ज़्यादा का, ठीक है, अब पॉलिसी मिच्योर हो चुकी है तो वो उसका पैसा प्राप्त करने के लिए क्लेम करेगा इंश्योरेंस कंपनी पर, ठीक है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, उस इंश्योर्ड की डेथ हो गई है, तो उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम कर सकते हैं ये पैसा प्राप्त करने के लिए। यहाँ दो हो गए, ये तो हुई लाइफ इंश्योरेंस की बात जो क्लेम के रिगार्डिंग। वहीं पर जनरल इंश्योरेंस में क्लेम कब किया जाएगा? जब उस सब्जेक्ट मैटर को वास्तव में नुकसान होगा। समझ में आई बात? यदि नुकसान नहीं होता है तो यहाँ पर क्लेम भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आगे और हम इसको देखेंगे फिर कि कैसे दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्लेम के संबंध में दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस और वो बेसिक टर्म जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ की जाती है, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।